सोलन नगर परिषद के ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सोलन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सोलन के टैंक रोड पर आजकल देखने को मिल रहा है, जहां ठेकेदार ने सड़क में टाइलें बिछाने के लिए सड़क को जेसीबी से अवैज्ञानिक ढंग से पूरी तरह उखाड़ दिया है, जिसके चलते वहां से गुजर रही पानी की पाइपें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसके चलते एक तरफ जहां लोगों के घरों में 6 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, वहीं ठेकेदार पानी की पाइपें ठीक कराने की बजाय लोगों को ही अपनी पाइपें ठीक कराने का दबाव बना रहा है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष पनप रहा है। आपको बता दें कि जहां ये निर्माण कार्य चल रहा है, वहां बेहद चढ़ाई है होने के कारण पैदल चलने वालों के सांस तो फूलते ही हैं, लेकिन कई बार तो खड़ी चढ़ाई होने के कारण वाहन भी हांफ जाते हैं, और इस खड़ी चढ़ाई में आजकल इंटरलॉक टाइलें बिछाने का काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर यहां टाइलें लगती हैं तो यहां वाहन फिसलने से दुर्घटना आम हो जाएगी, इसलिए यहां इंटरलॉक टाइलें नहीं बिछाई जानी चाहिए। लोगों ने भारी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क पर टाइलें बिछाने का काम नगर परिषद का ठेकेदार कर रहा है, जिसकी खुदाई की वजह से पानी की पाइपें टूट चुकी हैं। इसी कारण पिछले 6 दिनों से वह पानी के लिए तरस रहे हैं। हद तो इस बात की है कि ठेकेदार द्वारा पानी की पाइपों को ठीक करवाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में और जगह उतराई में जहां भी टाइलें लगाई गई हैं, वहां अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जहां अब टाइलें लगाने का काम चल रहा है, वहां तो सबसे ज्यादा उतराई है, और उन्हें आशंका है कि यहां टाइलें लगने से दुर्घटना होने लगेगी। तो कल से रात को 200 फूड कर लिए चेयरमैन को भी, और दिव्य ठाकुर जो यहाँ का वार्ड मेंबर है उसकी तो शक्ल ही थी देखी अपने, और ये रोड जो बना रहे हैं वो कह रहे टैले लगा रही है, टैले लगाए गए तो रोज एक्सीडेंट हो गए, रोज हादसे हो गए यहाँ पर, क्योंकि पैपे तोड़ दी रो रहे, पानी किसे परेशान हो रहे हम लोग, तो ये समस्या ना तो चेयरमैन ने आके देखे ना कोई वार्ड मेंबर आके देख रहे हैं यहाँ पर। पाइप तोड़ दी, सारी पाइप टूटी हुई, फिर पानी कहाँ से आएगा? और पाइप तोड़े ठेकेदार और सामान हमारे को लेने ये बात बनी, तो हम ही करे देखो यही तो दे दिए सामान लिख के, हमारे को लेने पड़ेगा, कौन ले आएगा? ऊपर ठेकेदार ने सारी पाइपें तोड़ दी हैं और हमें बोल रहे हैं कि सामान आप लेके आओगे तब लगाओगे, बहुत ही दिक्कत का फेस सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि प्रपोज्ड ये है कि टाइल्स लगनी है, जो कि हम देख चुके हैं कि अपर 2016 में भी लगी हैं, वो स्लिपरी होती है, वो कामयाब जैसे थोड़ा सा भी अगर ये वेट सीजन होगा, थोड़ी बारिश होगी तो स्लिपरी होगी गाड़ी, वो एक्सीडेंट का कॉज होगा एक तरह से बाइक्स के लिए, स्पेशली जो टू व्हीलर्स हैं उसके लिए। सेकेंडली ये जो पाइप्स हमारी जो डिस्ट्रॉय की है, इसके लिए आंसरेबल कोई नहीं है, अभी जो गवर्नमेंट के जो कनेक्शन है उनके वो जोड़ रहे हैं, उनके जो बाकी जो प्राइवेट इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जो पाइप सीवेज की तोड़ी है हमारी या पानी के कनेक्शन की, उसके लिए आंसरेबल कोई नहीं है कि